रिक्त पदों पर पदोन्नति न होने से आक्रोशित परिषदीय शिक्षक आंदोलन के मूड में हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले परिषदीय शिक्षकों ने संबंधित विकास खंडों की बीआरसी पर बीएसए को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने 23 सितंबर को जनपद मुख्यालय पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है। संघ जिलाध्यक्ष रविन्द्र दीक्षित का कहना है कि अधिकतर शिक्षक सहायक अध्यापक का वेतन लेकर प्रधानाध्यापक का दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन इस दायित्व को निभाने में वह अपने को सक्षम नहीं पा रहे। पदोन्नति लाभ न दिए जाने से परिषदीय शिक्षक आहत हैं। ऐसी ही और कई समस्याएं हैं। सकरण संवाददाता के अनुसार ब्लॉक संसाधन केंद्र सांडा में बीएसए को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी सकरण ओमकार सिंह को सौंपा गया। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नसीर अहमद, महामंत्री रविंद्र मिश्रा, जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार, महामंत्री फरीद गौरी, प्री गौतम, ब्रजेश कुमार, राजेश वर्मा, शारदा प्रसाद, कृष्णकांत, सुधांशु, अटल बिहारी वाजपेयी, धीरेन्द्र पटेल, मनीष वर्मा, अलीमुद्दीन, राकेश कुमार, विनोद कुमार, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद उमर मौजूद रहे। जूनियर शिक्षक संघ अध्यक्ष विनोद कुमार व प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नसीर अहमद आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ सकरण और जनपद का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे शिक्षकों की लंबे समय से 2015 के बाद से अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है, जबकि अन्य विभागों में बराबर पदोन्नति हुई है। सरकार अपनी हठतर्मिता पर अड़ी हुई है, बार बार मांग करने पर भी प्रोन्नत नहीं की जा रही है। इसलिए हम लोग सांकेतिक तौर पर इस बार आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा बीएसए सर को ज्ञापन भेजे हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सकरण, आज हम लोगों की कुछ शिक्षकों की कुछ मांगे हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक, प्राइमरी से सहायक अध्यापक की प्रोन्नति के लिए और जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पर प्रोन्नति के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। काफ़ी दिन से ये चला आ रहा था कि काफ़ी दिन से प्रोन्नतियाँ नहीं हुई हैं, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया है। जूनियर शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ ने दोनों मिलकर के आज ज्ञापन दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी सकरण के द्वारा बीएसए को दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये जो ज्ञापन दिया गया है ये जो है सफल होगा। इसमें मांगे क्या है? और ये जो प्रमोशन के लिए कसमंडा संवाददाता के अनुसार उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की कसमंडा इकाई ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कमलापुर में बीईओ कसमंडा संतोष कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ गिरजेश अवस्थी, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हबीबुर रहमान, आदर्श पांडे, सत्येंद्र श्रीवास्तव, ज्ञानेश वाजपेयी, नेहा त्रिपाठी, कंचन त्रिपाठी, छाया सिंह, चारू गुप्ता, रोहित शुक्ला, विनोद बिहारी दीक्षित, अजीत सिंह, अंचल सिंह, कमलेश कुमार, रमेश कुमार, रविंद्र मिश्रा, शिवेंद्र मिश्रा, संदीप श्रीवास्तव, अरुण शुक्ला, रेणु अवस्थी, चंद्रमोहन अवस्थी मौजूद रहे। पहला संवाददाता के अनुसार बीआरसी पहला में खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार को शिक्षकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष पहला राजेंद्र प्रसाद वर्मा, ब्लॉक मंत्री गरिमा रंजन, जिला संगठन मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ अमित कुमार, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, अजय वर्मा, राजेंद्र वर्मा, विनय सिंह, प्रांशु भारती, गिरेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, संजीव तिवारी, सत्यशरण, राजेश यादव, राहुल गुप्ता आदि शिक्षक उपस्थित थे। परसेंडी संवाददाता के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी परसेंडी ऋषिकेश को ज्ञापन शिक्षक संघ के अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव के नेतृत्व में सौंपा गया। इस मौके पर रोमेश यादव, श्रीपाल उपस्थित रहे। मिश्रिक संवाददाता के अनुसार ब्लॉक संसाधन केंद्र मिश्रिक में खंड शिक्षा अधिकारी कपिल देव द्विवेदी को ज्ञापन प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष रविन्द्र दीक्षित के नेतृत्व में सौंपा गया। इस मौके पर महेश पाल सिंह, उमेश शुक्ला, पुनीत शुक्ला, महीप सक्सेना, निर्मल मिश्रा, ओंकार शुक्ला, रमेश चंद यादव आज शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। गोंदलामऊ संवाददाता के अनुसार बीआरसी सदना पर बीएसए को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी गोंदलामऊ को सौंपा गया। नेतृत्व इकाई अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। इस मौके पर ब्लॉक कोषाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, नवलेश प्रताप सिंह, आनंद प्रताप पांडे, रामकिशोर, ब्रजेश सिंह, अजय कुमार पांडे, पंकज सिंह, श्रद्धा त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र, संजीव सिंह, अपूर्वा पांडे सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
हम एक हैं। चक एकता जिंदाबाद, चक एकता जिंदाबाद। जोर जोर की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। जोर जोर की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। चक एकता जिंदाबाद। सिधौली संवाददाता के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी उमेश कुमार गौतम को ज्ञापन उमेश कुमार सिंह के द्वारा सौंपा गया। इस मौके पर अरुण कुमार, रजनीश सिंह, कौशल कुमार, रितेश भारती, रंजना देवी, कुसुमा, सौरभ सिंह, नीतीश यादव, शिवपाल सिंह मौजूद रहे। केसरीगंज संवाददाता के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लहरपुर में बीईओ शाहीन अंसारी की अनुपस्थिति में लेखाकार पंकज वर्मा को मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह, महामंत्री सेवक राम सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। इसके अलावा पिसावा अध्यक्ष अश्वनी सिंह, बिसवा मंत्री सुनील वाजपेयी, एलिया, हरगांव, बेहटा, महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा, मोहली, रेउसा अध्यक्ष महेंद्र पांडे, खैराबाद में अध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में बीआरसी पर ज्ञापन सौंपा गया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।